नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लिनिकल टॉपिक जो आज के टाइम के कॉम्पटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉटेंस रखता है क्योंकि जो पुराना पैटर्न है ऑलमोस्ट वो अब नहीं आता है आज के टाइम में जो क्वेश्चनस आते हैं कोई भी कॉम्पिटिव एग्जाम की बात करें चाहे ए आई की बात करें पी एस सी की बात करें क्लिनिकल क्वेश्चन बहुत ही आपको कॉमन मिलते हैं ठीक है हम देखते हैं कोलिनोस्कोपी uh, जो कोलोनोस्कोपी है ये क्या है कोलोनोस्कोपी क्या है एक मेडिकल प्रोसेस है एक मेडिकल प्रोसेस है जिसका यूज़ कर सक जिसका यूज़ करते हैं लार्ज इंटस्टाइन एंड स्मॉल इंटस्टाइन को एग्जामिन करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रखना है कोलोनोस्कोपी एक मेडिकल प्रोसीजर है मेडिकल प्रोसीजर है जिसका यूज़ किसके लिए करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन को एग्जामिन करने के लिए ठीक है अंदर से एग्जामिन इनसाइड इनसाइड मतलब अंदर से अंदर से स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी है लार्ज इंटेस्टाइन कैसी है उसको एग्जामिन करने के लिए करते हैं और इसमें एक फ्लैक्सीबल ट्यूब के साथ कैमरा होता है और लाइट आपको मिलती है इसमें एक फ्लैक्सीबल ट्यूब होती है तो इस प्रोसीजर में जो जो प्रोसीजर होता है इसमें जो यूज होता है एक फ्लैक्सीबल ट्यूब का यूज होता है कैमरा होता है और लाइट आपको मिलता है तो में एक लाइट दिखता है फ्लैक्सीबल ट्यूब है कैमरा है और लाइट है जिसका यूज करते हैं हम लोग मतलब अंदर से कैसी है कैसा स्ट्रक्चर है कोई कैसा शेप है उसको जानने के लिए ये मेडिकल प्रोसीजर होती है इसका नाम होता है कोलेनोस्कोपी जब भी कोई बोले कोलनोस्कोपी क्या है कि मेडिकल प्रोसीजर है जिसका यूज़ होता है एग्जामिन करने के लिए इनसाइट ऑफ लार्ज इंटस्टाइन एंड स्मॉल इंटस्टाइन इसका यूज़ करते हैं फ्लैक्सीबल ट्यूब का कैमरा का एंड लाइट का ठीक है कोलेनोस्कोपी जो है गोल्डन स्टैंडर्ड है डायग्नोसिस ऑफ कोलोनिक म्यूकोसल डिजीज जो कॉलोनिक मतलब आपकी जो स्मॉल इंटस्टाइन जो लार्ज इंटस्टाइन की जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है उस म्यूकोसल मेम्ब्रेन या म्यूकोसा की डिजीज को या कोलोनिक म्यूकोसल डिजीज को डायग्नोस करने के लिए उस म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या डिजीज हुई है उसको डायग्नोस करने के लिए ठीक है तो डायग्नोसिस एग्जाम में आ जाता है गोल्डन स्टैंडर्ड किसके लिए डायग्नोसिस ऑफ कोलोनिक मतलब जो इस आपको इंटस्टाइन को हम क्या बोलते हैं कोलन बोलते हैं इंटस्टन का नाम क्या होता है एक और कोलन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन खासकर लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसका तो कोलन के लिए हम इसको रिलेट करते हैं तो कोलोनिक म्यूकोजल डिजीज कोलन में पाई जाने वाली म्यूकोसल जो मेम्ब्रेन है उसकी डिजीज को डायग्नोज कौन सी डिजीज वहां पर हुई है उसको तो डायग्नोज करने के लिए जो गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो होता है कोलोनोस्कोपी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कोलोनोस्कोपी जो है इज अ प्रोसीजर ऑफ चॉइस फॉर कोलन कैंसर स्क्रीनिंग एंड सर्वेलेंस ठीक है कोलन कैंसर को पहचानने के लिए उसकी स्क्रीनिंग करने के लिए उसकी सर्वेलेंस के लिए आप करते हैं कोलन कैंसर को पहचानेंगे उसका ट्रीटमेंट कर फिर पहचानेंगे तो कोलन कैंसर की स्क्रीनिंग एंड सर्वेलेंस के लिए आप इसका यूज़ करते हैं डायग्नोसिस ऑफ कोलाइटिस सेकेंडरी टू इन्फेक्शन स्टीमिया या रेडिएशन रेडिएशन के बाद इस्चिमिया के बाद इन्फेक्शन के बाद जो कोलाइटिस हो जाता है मतलब कोलन में इंफ्लामेशन कोलन की म्यूकस मेम्ब्रेन में, में इंफ्लामेशन कोलन के जो म्यूकस मेम्ब्रेन में इंफ्लामेटरी कंडीशन हो जाना ठीक है किसके बाद इन्फेक्शन के बाद इस्चिमिया के बाद रेडिएशन के बाद उसको डायग्नोस करने के लिए यदि इन्फेक्शन के बाद कोलन में कोई इन्फ्लामेशन हो गया है डायग्नोसिस करनी है तो कोलोनोस्कोपी करानी पड़ेगी इस्चमिक कंडीशन हो गया मतलब वहाँ की ब्लड सप्लाई कम हो गई नॉर्मल ब्लड सप्लाई की तुलना में नॉर्मल हंड्रेड परसेंट ब्लड सप्लाई हम मानते हैं जब किसी में सेवेंटी या सेवेंटी फाइव या एटी परसेंट ब्लड सप्लाई नहीं हो रही सिर्फ ट्वेंटी फाइव परसेंट ब्लड सप्लाई हो रही है उससे हम निश्चिमिक कंडीशन बोलते हैं प्रैक्टिकली रूप से तो उस कंडीशन में यदि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डायग्नोस करने के लिए या रेडिएशन के कारण कोई वहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी या कोलाइटिस तो नहीं हो गया उसे डायग्नोस करने के लिए कोलेनोस्कोपी का यूज़ करते हैं और आई बी डी इन्फ्लामेटरी डिजीज इन्फ्लामेटरी बॉबल डिजीज मतलब आपके बॉवल में कॉलन में इंफ्लमेशन इन्फ्लामेशन की टरी डिजीज को पता करने के लिए आई बी डिजीज को पता करने के लिए भी कोलोनोस्कोपी का यूज होता है ठीक है तो ये आपको याद रखना है आगे एक चीज बता दूं मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट <coughs> बेरियम मी बेरियम एनिमा एंड एन कोलो आपका जो है कोलोस्कोपी ठीक है दोनों जो होते हैं जैसे कोलोनाकोपी क्या कर रहा है इसमें लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसल मेम्ब्रेन को हम देख रहे हैं इन अंदर से वैसे क्या होता है बेरियम एनीमा का भी यूज़ होता है जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं जिसका यूज़ करते हैं लार्ज इंटस्टाइन और रेक्टम को को देखने लार्ज इंटस्टाइन रेक्टम को देखने के लिए इसका भी यूज़ होता है बेरियम एनीमा का भी यूज़ होता है लार्ज इंटस्टाइन और रेक्टम को देखने के लिए और कोलेनोस्कोपी का भी यूज़ होता है लार्ज इंटस्टाइन और और uh, रेक्टम uh, को देखने के लिए दोनों होता है लेकिन जो बेरियम एनिमा की बात करते हैं ये एक रेडियोलॉजिकल एग्जामिन होता है रेडियोलॉजिकल एग्जामिन होता है रेडियोलॉजिकल एग्जामिन होता है एग्जाम होता है जिसमें क्या होता है लिक्विड का जो बेरियम है उसको क्या करते हैं एनल रीजन में या रेक्टल रीजन में या हम बोलेंगे लार्ज इंटस्टाइन में या बॉवेल जो लार्ज बॉबेल है वहाँ पर इंसर्ट करते हैं क्या करते हैं इसमें लिक्विड कंटेंट वाला जो लिक्विड बेरियम को लेते हैं ऐसा ऐसा लिक्विड है जिसमें बेरियम लिक्विड ऐसा लिक्विड लेते हैं जिसमें बेरियम पाया जाता है उसको उसमें इंसर्ट करते हैं आपके लार्ज इंटस्टाइन में या रेक्टम में और उसके बाद एक्सरे कर एक्सरे करते हैं जिसमें जो बेरियम होता है वो चमकता है रेडियम मतलब मतलब चमकता है वो लाइट देता है उसके बेस पे फिर आपको डायग्नोसिस करते हैं ठीक है मतलब बेरियम एनिमो में क्या हो रहा है बेरियम का यूज़ करते हैं बेरियम जब एक्सरे के एक्सरे के लाइट के संपर्क में जाता है तो वो एक चमक पैदा करता है इस टेक्निक का यूज करके आप क्या करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का एंड रेक्टम का आप एग्जामिन करते हैं ठीक है ये मोर एक्यूरेट होता है फॉर एवोल्यूशन ऑफ डायवर्टिकुलम एंड फॉर एक्यूरेट द मेजरमेंट ऑफ कोलोनिक स्ट्रक्चर ठीक है मतलब बेरियम एनिमा का भी यूज लार्ज और लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम के लिए कर रहे हैं कोलोनस्कोपी के लिए कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं बता दिया मैंने आपको लेकिन बेरियम एनीमा मोर एकट किसके लिए होता है एवोलेशन ऑफ डाइवर्टिकलम डायवर्टिकलम को एवोलेट करने के लिए या मेजरमेंट ऑफ कोलोनिक स्ट्रक्चर कोलोनिक स्ट्रक्चर को डायग्नोस किया मेजर करने के लिए बहुत ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है मोर एक्यूरेट होता है बेरियम एनिमा ठीक है एंड जो कोलोनोस्कोपी होता है देखा हैज़ ग्रेट सेंसिट सेंसिटिविटी फॉर कोलाइटिस पॉलिप एंड कैंसर ठीक है यदि हम डिफरेंस करें बेरियम एनीमा और कोलोनोस्कोपी तो बेरियम एनीमा जो होता है उसका यूज़ होता है मोर एक्यूरेट हम बोलेंगे एवोल्यूशन ऑफ डायवर्टिकुलम एंड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ कोलोनिक स्ट्रक्चर लेकिन कोलोनोस्कोपी की हम बात करेंगे एज़ कंपेयर टू बेरियम एनिमा तो ग्रेट होता है किसके इसके लिए कोलाइटिस के लिए कोलन में पॉलिप हो गया उसके लिए और कैंसर के लिए कैंसर पॉलिप और कोलाइटिस के लिए कोलोनोस्कोपी करेंगे कोलन स्ट्रक्चर का मेजरमेंट करना है डायवर्टिकुलम को एवोल्यूशन करना है तो बेरियम एनीमा का यूज़ करेंगे ये डिफरेंस आपको थोड़ा यहाँ पता होना चाहिए वो मैंने मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए क्लिनिकली क्वेश्चन आ जाता है और एग्जाम में आपको पता होना वैसे एग्जाम में आ गया कोलाइटिस पॉलिप एंड कैंसर ये लिए कौन सा तो कोलोन आपको करना है लेकिन यदि आपको एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ कोलोनिक स्ट्रक्चर करना है तो वहाँ पर आपको यदि कोलोनोस्कोपी आपका ऑप्शन है और बेरियम एनीमा ऑप्शन है तो आपको बेरियम एनीमा ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा ठीक है तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आपको बता दूं मैं कि आ, ये जो टॉपिक है क्लिनिकल टॉपिक है जो आपको अभी अब मिलते रहेंगे साथ में अभी अपना जो चल रहा है वो जीआईटी से रिलेटेड ही सब टॉपिक चल रहे हैं जीआईटी ही मैं आपका पहले पूरा ख़त्म कर दूंगा जीआईटी को ही पूरे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ ठीक है और इसके अलावा आप होम्योपैथी के फर्स्ट स्टूडेंट हैं बी एच एस फर्स्ट स्टूडेंट है आप मटरे मेडिकल मेडिसिन ज्वाइन कर सकते हैं डॉक्टर भावेश सर क्लासेस जो ऐप है इसको इंस्टॉल करके इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए है और जो पैथोलॉजी जनरल पैथोलॉजी के कोर्स में जो पूरे वीडियोस लगातार देखना चाहता है तो वो भी आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं ना यदि फ्री ऑफ कॉस्ट देखना चाहता है तो आपको डेली एक वीडियो मिल रहा है आपको यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर भावेश सर क्लासेसेस और तो आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें बहुत सारे मैं बच्चों को देखता हूँ जो मेरी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मुझे लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें यदि आप मेरी वीडियोस लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ करें सब्सक्राइब करने से आपको सही टाइम में सही इंफॉर्मेशन मिल सकती है ठीक